हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर अपने इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी और बेसिक व्यू दिया था कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस में हमारे लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और फर्दर एग्जांपल्स देके मैंने उसको डिस्क्राइब किया था। अब हमें मेन जो इस फर्दर इस चैप्टर में चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक, हिटरोट्रॉफिक। नेक्स्ट हिटरोट्रॉफिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे अपना रेस्पिरेशन जिसमें हम एरोबिक एनारोबिक दो तरीके के रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, देन फिफ्थ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिक्स्थ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हमारा ओवरऑल व्यू है कंप्लीट चैप्टर का कि हमें क्या क्या कैसे कैसे इसमें पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अंदर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिले काम करने के लिए। ओके, तो न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी टू वर्क। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे दो तरीके से हो सकता है, या तो